योगी राजीव भी जुड़ चुके हैं। राजीव, बिहार में किस तरीके की स्थिति देखने को मिली है? देखिए, बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुआ है और अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी ईवीएम में खराबी कई जगहों से मिली है शुरू शुरू में, लेकिन कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं आई, तो यह सबसे बड़ी बात है। और कह सकते हैं कि यहाँ चुनाव एक तरह से शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है। और परसेंटेज की बात कर ले तो हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से या सामाजिक संस्था की ओर से या पब्लिक की ओर से जिस तरह से कैंपेन चलाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करेगा, शायद वैसा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मैच टू मैच जो है परसेंटेज जो गया है वो 59-60 के आसपास ही रह गया है। और सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो नवादा का सबसे कम रहा, वहाँ 40 से थोड़ा ही से ज्यादा मतदान हुआ था। ये 5 बजे का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, हालांकि 6:30 बजे एक बार फिर के बाद जो है आंकड़े आएंगे, 7 बजे के बाद फिर आंकड़े आएंगे। तो लेकिन ये रहा, लेकिन इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि इतनी लू चल रही थी बिहार में और इतनी गर्मी तेज थी, तो इस कारण जो है वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। और ये कह सकते हैं कि शुरुआती में जो सुबह का समय होता है 12 बजे से पहले लोग मतदान केंद्र पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन जो ठीक है राजीव, देखिए आप जिक्र कर रहे हैं कि गर्मी ज्यादा है, लू ज्यादा है, उसका असर वोटिंग पर देखने को मिला है, लेकिन इतना कम बिहार में सबसे कम परसेंटेज वोटिंग की आई है। 5 बजे के आंकड़े आ चुके हैं, अगर अब 7 बजे की भी आंकड़े आते हैं तो 2-3% ज्यादा से ज्यादा 5% बढ़ जाएगा, 10-12-25 तो नहीं बढ़ेगा ना, तो बहुत कम वोटिंग डली है बिहार में। इसके पीछे की वजह क्या है? इसका असर तो सरकार पर भी पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से कैंपेन चलाया गया था, प्रचार किया गया था कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखा। उसकी सबसे बड़ी वजह है तेज गर्मी। खास असर नहीं दिखा, इसके पीछे की किसकी कमी मानी जाए, किसकी कमी मानी जाए, कौन नहीं कर पाया? चुनाव आयोग की कमी रही है कि जो मतदाताओं को जागरूक नहीं कर पाए? देखिए, बिल्कुल, अगर परसेंटेज कम हुआ है तो सबकी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है या दी गई थी कि भाई वोटर्स को लाना है। अब देखिए, एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि जो ये होंगे आपको जमुई विधानसभा, जमुई लोकसभा क्षेत्र का एक जगह के वो तारा